भारतीय संविधान का वजन क्या है मालूम है? लागू हम आपसे विधानसभा करेंगे हमारा भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी बनाई जाती है वो कब बना था, कब लागू हुआ था, उसका वजन कितना है, उसमें कितनी कमेटी थी, उसमें कितनी समिति थी, उसमें मेल और फीमेल यानी कि कितने पुरुष थे, कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, उस समिति के सदस्य कितने थे। वो दो महीने जब बना था संविधान, उसके दो महीने के बाद लागू किया गया था, तो दो महीने तक लेट क्यों किया गया था, इसका रीजन, ये सब बातें आप लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है कि संविधान हमारा इस दिन लागू हुआ था, बहुत से ज्यादा लोगों को अभी नहीं पता होगा कि बना कब था, मालूम है किसी को? नौ साल पता हो तभी यस करो, नो नहीं करना है। कब बना था? 26 नवंबर 1949 बिल्कुल राइट, 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो दो महीने लेट क्यों हुआ था? क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था इंडिया पे, भारत में जो अंग्रेज का शासन था, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, फ्रांसीसी फ्रांस मतलब अंग्रेज लोग, जब अंग्रेजों का शासन था एक साल के बाद 1947 में जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब उसमें बचे थे 299 लोग, कुछ लोग पाकिस्तान वहां से चले गए थे तो उसमें कम हो गए थे, तो 299 लोग उसमें शामिल थे। जब 1949 तक दो साल की कड़ी मेहनत के बाद, आजादी के दो साल बाद 1949 में 299 लोग शामिल थे, लेकिन जो संविधान में साइन है, सिग्नेचर है, वो 284 लोगों के, बाकी जो 299 में से 284 लोग बचे हैं वो लोग की डेथ हो चुकी है, वो लोग मृत्यु हो चुकी है। तो संविधान में जो साइन है 284 लोगों के हैं, इसमें 13 समितियां बनी थी, इसमें एक मेन समिति है, भीमराव अम्बेडकर जिसको लीड कर रहे थे, उसको प्रारूप जिसे हम मेन समिति भी कहते हैं, इसका काम था जितने भी लोगों ने संविधान बनाया है, कमेटी जिला वाइज अलग बनाई गई थी, जिला में कैसे काम होना है, राज्य वाइज अलग कमेटी बनाई गई थी, राज्य में कैसे काम होना है, इसी तरह से एक कमेटी थी मेन कमेटी जिसको भीमराव अम्बेडकर जी लीड कर रहे थे, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द संविधान कहा जाता है, संविधान का निर्माता कहा जाता है। इसमें संविधान में वजन कितना है, संविधान जो ओरिजिनल संविधान है उसका 13 किलो वजन है, भारतीय जो संविधान है उसका 13 किलो वजन है, 13 किलो ओरिजिनल संविधान जो है उसका 13 किलो वजन है, और इसमें 15 महिलाएं शामिल है, इसमें कितनी महिला शामिल है? 15। इसे 1950 में लागू किया गया था, तभी से हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, और इसी दिन राजपथ कहाँ है? दिल्ली में, वहां पे क्या होता है? परेड की जाती है। परेड कौन लोग करता है? सेना के तीनों प्रमुख अधिकारी वो लोग करते हैं, अपने शस्त्र अस्त्र मिसाइल बहुत से जितने भी अधिकार लेते आधुनिक होते हैं वो सब वहां पे प्रदर्शन करते हैं, एक हिसाब से शक्ति प्रदर्शन उसे कह सकते हैं, जिससे कि देश विदेश दुनिया में लोग जान सके कि भारत कितना मजबूत हुआ है, कितनी शक्ति है, शक्ति प्रदर्शन करते हैं। उसमें हर साल 26 जनवरी को कई अन्य देशों से इनवाइट किया जाता है, अब इनवाइट किया जाता है लोगों को, बुलाया जाता है, गेस्ट बुलाए जाते हैं, पिछली बार एशिया के 5 देशों से गेस्ट बुलाए गए थे, इस बार भी किसी को गेस्ट बुलाया जाएगा, आप कल 26 जनवरी है, कल आप लोग वीडियो में देख पाएंगे, दिल्ली के राजपथ पे परेड होगी, वहीं पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सारे लोग शामिल होंगे। तो यहां पे आपने जाना कि संविधान क्या है, कितना वजन होता है, कितने लोगों ने लिखा, सारे सवाल क्लियर हो गए, तो बढ़िया से तैयारी करना है, कल 26 जनवरी है उसकी बढ़िया से यार रात में तैयारी करेंगे। पहले आप भीमराव अम्बेडकर जो थे
उन्होंने रात में पढ़ाई की है, दिन में पढ़ाई की, लेकिन तब इतनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं होती थी, पैसे की कमी होती थी, उसके साथ साथ